पहले टीम गॉड लाइक वर्सेस टीएसएम, एक ये जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। दो ही प्लेयर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, टीएसएम के नियो जो है वो ऑलरेडी क्लोजिंग कर चुके हैं। ब्लेज ओपी वहां पर नॉकड आउट जरूर से थे, लेकिन उनको रिवाइवल मिल जाएगा। क्लच गॉड यहाँ पे वीकर लेकर के जाएंगे, एक बढ़िया कर चाहता हुआ नियो हो जाएंगे डाउन। और अब टीएसएम जो है वो थोड़ा सा बढ़िया स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी एक 2v3 का सिनेरियो देखना ये पड़ेगा कि जो इन्फोर्समेंट है वो कितनी देर में आता है। ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे थे और कुक करते ही रह जाएंगे, एक नॉक कर दिया जाएगा डाउन। टीएसएम यहाँ पर थोड़ा मुश्किल में, शैडो जरूर से यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं। ब्लेज यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे, लेकिन गॉड लाइक के दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। लॉल्स यहाँ पर एक बढ़िया नॉक निकालेंगे और अब जो एनक्लोजर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। री गॉड और लॉल्स, ये दो खिलाड़ी के कंधे में पूरी जिम्मेदारी। री गॉड ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। टीएसएम मुश्किल स्थिति में नजर आते हुए, हालांकि खिलाड़ी उनके एक ही अभी नॉक डाउन थे, क्या रिवाइवल रुपया वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसी के बीच एक और बढ़िया ग्रेनेड जो है वो जाएगा टीम गॉड लाइक मुश्किल में नजर आते हुए। वी गॉड सोलो मैन स्टैंडिंग एलिमिनेट किया गया, टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन 15वें।